सोलन में कांग्रेस की ओर से वीरवार को ही प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने सोलन में विकास ना होने को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा। प्रदेश कांग्रेस की मीडिया प्रभारी अमन सेठी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी है तब से लुभावन वादे किए गए हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अस्पतालों की दुर्दशा हो चुकी है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी होने के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में पानी और शौचालय में बिजली की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने स्थानीय मंत्री राजीव सैजल को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही नए डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी सामाजिक अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल का स्वागत काले झंडे दिखाकर करेगी। से ये बताना चाहता हूँ कि नगर निगम तो चलो अच्छी बात है कि सोलन का साथ चलते, हम भी सपोर्ट करते हैं, हमारा भी कोई सोलन की जनता, लेकिन उसमें भी ज्यादा जरूरी है हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर, हॉस्पिटल की जो आज ये हालत हो गई है कि दुर्दशा, जो दीवारों से पानी चोरा है, वहाँ बिजली नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मतलब कि इतनी हालत हो चुकी है अस्पताल की कि मरीज तो अस्पताल जाते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन वो अस्पताल की हालत देखे और बीमार हो रहे हैं। तो ये कुछ लोकल मुद्दों से अवगत कराएंगे। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों का हम उनका समर्थन करते हैं कि बननी चाहिए, ठीक है भाई, ये मुद्दा नहीं होता है, बनता है नगर निगम, पर सबसे बड़ी लड़ाई इंसान की काहे की होती है, रोटी कपड़ा और मकान की होती है। सिंह शांडिल जी हमारे मंत्री थे, ये हमारे पे दो शब्द भी है कोई है ना जी, ये सब चीजें देखते हम ये जानना चाहते हैं। एक तो हम आज